गुड मॉर्निंग खमंगणी सा, कैसे हो आप सब? और स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। और बस सुबह सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लंच में बना रही हूँ पोहा। वंशु ने बोला कि मम्मा आज पोहा बना देना। वंशु ने नहीं, मिष्टी ने, उसको ज़्यादा पसंद है। तो बस पोहे तो बना दिए, लेकिन दोनों है ना, मूंगफली और आलू वगैरह सब निकाल के खाते हैं, इसमें प्याज वगैरह सब निकाल देते हैं। तो बस मैं यही कर रही थी, ये निकाल देती हूँ ना तो ढंग से पूरा खा के आ जाते हैं, और नहीं निकालती तो ऐसे ही आधा खा के आते, आधा नहीं खा के आते। तो बस फिर मैंने सोचा मैं कि चलो यार जैसे भी खाए ठीक है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि इनको बोलती हूँ, लेकिन नहीं खाते दोनों। बस अब दो चार बार से फिर मैंने सोचा मैं कि यार चलो नहीं खाते बच्चे तो निकाल ही देते हैं, फिर क्या ही मतलब है। तो बस ये मूंगफली वगैरह सब निकाल के एकदम इनको सिंपल से करके फिर दे दूँगी, और फिर ये मिष्टी और वंशु दोनों खा के आ जाते हैं फिर। तो बस इनका लंच तैयार हो गया। मिस्टी ये निकाल दिए देख, ठीक है? सॉस, हाँ सॉस भी डाल दूंगी, दोनों बहन भाइयों के निकाल दिए देख साहब। तो गाइज बस टाइम हो रहा था, 10:30 बज गई थी। कपड़े वगैरह सब धो के सारा काम करके नहाना धोना करके बस मैं आई थी पूजा करने के लिए। तो बस अभी सावन चल रहा है तो डेली पूजा कर लेते हैं। तो ये हमारे भोलेनाथ और ये तुलसा माता। तो बस ऊपर सीढ़ियों में रख रखा है हमने यहाँ। तो बस मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। ऐसा किया था फिर शाम को, क्या मैंने 3 दिन से शॉप नहीं खोली थी, कल ही खोली थी, कल दिन में भी ले जा के आई थी और फिर शाम को भी। तो कस्टमर आ गए थे फिर टाइम नहीं मिला, और कस्टमर व्लॉग में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता, कोई आ जाता है कोई नहीं आता, उस वजह से वीडियो नहीं बना पाती, व्लॉग नहीं बना पाती है ना। तो फिर लेट हो गई थी, फिर मैंने सोचा मैं चलो चलते घर पर, कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो मेरा काम सारा हो चुका है, नहाना धोना कपड़े वगैरह भी हो गए थे तो फिर मैंने धो दिए। कल सोचा मैं कि कल बच्चों की ड्रेस हो जाएगी एक एक और, लेकिन मैं कि वो हाथ से धो लूँगी, फिर मशीन लगा दी। थोड़े कपड़े थे और मेरे जो थे मैंने हाथ से धोए, बेस मेरे राजपूत। तो बस काम कर लिया सारा और पूजा करके आई हूँ। तो सावन में कर रही हूँ मैं पूजा, बाकी पूजा इसके पापा करके जाते हैं, मैं नहीं करती, ये कर जाते हैं सुबह सुबह दीपक पूजा वगैरह, तो मैं नहीं करती। कभी ये नहीं करते तो मैं कर लेती हूँ। तो अभी सावन चल रहा है तो मैंने सोचा मैं कि चलो आप अपन पूरे महीने घर पे ही जल तो चढ़ा दे कम से कम। तो बस हो चुका है सारा, और अब काम है थोड़े कपड़े कल वाले थे वो फोल्ड करके रखूँगी, फिर उसके बाद मैं कपड़े लाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा खाना खा लेती हूँ। तो चलो मैंने सोचा अब ब्लॉग स्टार्ट करने का रहता ही है, ऐसे लगता है अपनापन सा लगता है कैमरे से आप लोगों से कि एक बार तो ब्लॉग चालू करें, बात करें। और अचानक से मेरे ना कमर में पता नहीं ऐसे अजीब सा ही दर्द हो गया, तो मैं सोचा थोड़ा लेट भी जाती हूँ और थोड़ा बात भी कर लेती हूँ। दर्द का तो चलता ही रहता है, इतना मैं बताती भी नहीं हूँ यहाँ, लेकिन अभी बता दिया कि दर्द हो रहा है। तो गाइस बस
और मैं व्रत कब रखूँगी पता नहीं। हाँ मुझे टेबलेट लेने में, सच में टेबलेट लेने में लेट हो जाती हूँ। और 6-7 टेबलेट एक टाइम की होती है, वही 6 या 7 सुबह और 6 या 7 शाम को। तो मैं तो एक साथ तो ले ही नहीं पाती, फिर थोड़ी थोड़ी देर में लेती हूँ सारी। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो बस ये सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए और ये अलग अलग सबके रख दिए, मिष्टी के, वंशु के और मेरे और बच्चों के ही ज़्यादा थे, इसके पापा के मैंने एक दिन पहले धो लिए थे। तो बस और देखो बच्चे इतना कचरा कर देते हैं कि शाम को मुझे सारा झाड़ू वगैरह सब करके फिर शॉप पे जाना पड़ता है। क्या कर रही है मिष्टू? और ये दादा भैया कपड़े नहीं पहना अभी तक है ना? है ले चल खड़ा दे, ये तो पहन ली, तो ध्यान ही नहीं देता। लाओ बेल्ट दे, मैं ये तो धोने के लिए पटक के आ रही हूँ तुम्हारे आज वाले। तो कल दूसरी ड्रेस पहन के जानी है ना? तो यहाँ बस शाम का टाइम है और चाय, मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी, दूसरी साइड में आटा लगा रही हूँ। तो ये थोड़ा काम करके जाती हूँ तो शाम को थोड़ा आसान हो जाता है। कम कर दे, नहीं देख ले मैं भेज दूंगी, कर ही दे। अब बना दूं मैं गरम गरम रोटी, तू डैडी कम और मिस्टी खा लो और फिर मैं खा लूंगी। तो मैं बना के गरम आपको दे दूं सबको, फिर वो खा लूंगी ना। थप्पड़ में है नीचे। और तू ये क्या बिखेरा कर रखा है? कूलर 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 चालू छोड़ गया है? अरे वो डॉगी के लिए ना दूध दे दो तो आधा गिलास। क्यों, डॉगी भी दूध पीता है क्या? पीता ही है, पीता ही है। जब भी बड़ा होता है, है? होता है। अरे आधा गिलास दो ना। तू रोज रोज ना नाटक मत करा कर, कभी दूध दो और कभी क्या दो और करता रहता है। आधी रोटी और दूध बस इतना। हाँ क्या करेगा उसको बड़ा करके? पालेंगे है? पाल रहे हैं उनको। पाल के क्या करेगा? घुमाएंगे रात को रोज। कहाँ घुमाएंगे? बाहर बैल के ला रहे हैं डेडी को। हाँ। तो खमागणी सा ये नेक्स्ट डे का है, ये शाम का टाइम है, मैं शॉप पे जा रही थी। तो गई शॉप पे जाके भी मैं आ गई और अभी टाइम हो रहा है 8:10 हो रही है। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए और 5 मिनट कूलर के आगे बैठूंगी जाके, वो गर्मी हो रही है। और फिर दूध वगैरह गर्म करूँगी और खाना बनाऊंगी। तो आटा मैं लगा के गई थी और हाँ आलू का पराठा का जो मसाला था वो बना के गई थी, और इनके लिए आलू की सब्जी है तो ये अगर पराठा लेंगे तो ले लेंगे, बाकी इनको कम पसंद है। ये
चाव करके नहीं खाते, बस दोनों बच्चे और मैं, तो लेंगे नहीं इनकी रोटी बना दूंगी। तो शॉप में तो यहाँ से करके पहले यहाँ से सारा काम, उठती हूँ ना शाम को जब चाय वगैरह पीना, इनको बच्चों को दूध देना और इनका सारा करके मैं शाम को जाती हूँ। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ, कस्टमर आ जाते हैं अंदर चली जाती हूँ, दे के वापस आ जाती हूँ। फिर ऐसे सोचती हूँ कि अब थोड़ी शॉप को थोड़ा सेट कर दूँ, उस टाइम मेरे यहाँ आने का टाइम हो जाता है। और कस्टमर भी क्या है ना, मतलब लेट ही आते हैं, मैं खुद लेट जाती हूँ तो कस्टमर भी लेट आते हैं। रखो वहाँ पे, साफ करूँगी वहाँ, रखो। नाना नहीं है क्या तेरे को? नाना नहीं है? ये पेंट कौन, इतना चाव इतनी गर्मी में कैसे पेंट पहन लेती है? हाँ ले जा। गाइस ना इतनी गर्मी में भी है ना इसको ना, मतलब खुद की पसंद के कपड़े पहनने होते हैं। मैं देती हूँ ना, मतलब नहीं कभी कभार पहनती है, मैं डांट देती हूँ और फिर मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, खुद ही निकाल के कभी जींस पहन लेती है, कभी पजामा पहन लेती है। तो बस दोनों बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, उसके पापा बैठे हैं पढ़ा रहे हैं और मैं लगूंगी किचन में। और कल तो किचन में मेरे को काम करते करते 10:30 बज गई थी, और जब तक तो देखा ना बच्चे और इसके पापा सब सो गए थे, फिर मैं नहा के आई और फिर सोई। इनको तो नींद आ गई थी, सबको नींद आ गई थी, मैं तो मेरे काम में लग रही थी, क्योंकि यार अब आके काम में लगते हैं ना तो करते करते हो ही जाता है टाइम जो। तो अब बस अब बैठूंगी, अभी आपसे बातें करती हूँ 5 मिनट कूलर के आगे, बस वही 5-7 मिनट है, बाकी तो लगूंगी फिर नहीं बैठूंगी। तो गाइस चलो मिलते आपसे बाद में। टॉप पे काम कर रहे हैं, मैं सोचू पढ़ा रहे हैं मिस्टी वंशु को। ए पढ़ ले पराठा, तेरे लिए तो बनाया मैंने, तेरे को तो दे दूंगी, पर मेरे बेटे को तो डेडी हुकम काम से गए बेटा। नहीं, नहीं क्या आप खा लो, मैं क्या खा लूं, मैं तो खाऊंगी, मेरे को फिर मैं नेट बंद कर दूं नेट बंद है तो खाना का चखड़ा हो जा। डेडियो का मम्मी से तेरे को लेके जाते हैं, आज ही नहीं लेके गए, ठीक है नाटक मत करो, और तकिए को सही कर दे, कैसे हो रहा सब्जी बनी है वहाँ? कोई फेवरेट सब्जी नहीं बनी। मम्मा मेरा बेटा है ना, फिर मैं इसको केक नहीं बनाऊंगी। और तेरे से बात नहीं करनी, तेरी चोटी भी खराब कर देती है बार बार, होमवर्क कर ले। लदिका की कितना किया लाई दला, फिर बना दूंगी तो फिर बीच में खाने लग जाओगी। दिखा मेरे को, दिखा, पिटाई कर दूंगी मैं। ऐसे क्या कर रही है? ऐसे क्या पराठा, क्या बोल रहे है? होमवर्क कर ले बेटा, ये फिर तेरे साथ ये भी तो खाएगी ना, और उसमें कर लिया, इसमें कर ये कर, ये टू है ना, कहाँ कर लिया ये सारा, ये है ये तो बेटा कल का करा हुआ है, ये देख आज ये भी करना है, ये आप करोगे मैं ना। मेरी बस की बात नहीं इनको पढ़ाने की, आप करते नहीं हो। मैंने ना जब मिस्टी नहीं आई थी तो मैंने सोचा था कि वंशु मेरे से नहीं पढ़ता बिल्कुल भी, ना मैं मिस्टी को मैं लेके बैठूंगी, लेकिन ना मेरे को टाइम भी नहीं मिलता, मैं 8 बजे शॉप से आती हूँ जब तक इसके पापा लेके बैठ जाते, फिर ये खाने के लिए करने लग जाते हैं तो टाइम भी नहीं मिलता। अब मेरा मन करता कि भाई स्टार्टिंग से बच्चे को लेके बैठे तो थोड़ा सा वो रहता है अपने कंट्रोल में, वंशु तो निकल गया मेरे हाथ से, मुझे तो मिस्टी को पढ़ाऊँगी, तो मिस्टी को भी इसके पापा बैठते पढ़ाते,
और आज वो गए तो वो बोल के गए कि आप इसको, तो अब ये मुझे क्या बोल रहे, आप ही कर दो, मैं नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा कैमरा बंद करके फोन को साइड में रख के उसका रिमोट लेके फिर करूँगी। दो में नहीं, ये पूरा करना है, दो में कर रही है। देख लेना मैम, आप भी है ना इसका व्लॉग देखना हमारा, तो ये कैसे करती है। ये मुझे बोल रही है, मैं क्या बच्ची हूँ छोटी, मैं पढ़ने जाती हूँ, मैं पढ़ने जाती हूँ क्या? हाँ तो दुकान जाती हूँ ना, दुकान का काम है मेरा, पढ़ने का नहीं है मेरा, मेरा नहीं है पढ़ने का काम, पढ़ ले ये, फिर खाना भी खाएंगे, 8:30 बज गई। कर चलो गाइस, करती हूँ इसको थोड़ा सा कर लेती है तो करवा देती हूँ, और फिर इनको खाना वगैरह खिला के। पराठा नहीं खाना क्या तुझे, ये बता दे, खाना पराठा जब भी मिलेगा जब तू होमवर्क करेगी। आप खिलाओगे? आप खिलाओगे? कोई आता हूँ ना लगा रहा है मिस्टी, तो ये चीर होती है, रोने ही लग गई। अच्छा बात है, अच्छा लिख रही है, लिखो लिखो लिखो। और लिखो तो ये पूरा लिखना है बेटा। चलो बंद करो, चलो भाई की बोले फोन को बंद करो। ले आ जा नीचे, नीचे आओ दोनों का। हाँ आ जा बेटा, खा ले पहले, बाद में कर लेना होगा। आ जा पहले खा ले मिष्टी, फिर कर लेना। एक दही इसका, एक तेरा है, खा ले बेटा पहले, शानी है ना, गरम गरम खा ले, फिर मैं करा दूंगी। और देख अलग इसमें, ये तेरा दही अलग है तेरा, और पराठा लेके आ रही हूँ मैं, खा ले पहले, हैंड वॉश कर ले तेरा। मिस्टी ला अलग खा ले तू, तेरा अलग अलग खा लो दोनों, तू तेरा अलग खा ले। ऐसे कौन पढ़ाई करता है ये बता, है देख मुंह को देख, ये पढ़ाई हो रही है, ये पढ़ाई हो रही है क्या? ऐसे फोन रख, फोन दे मुझे दे। नहीं गंदी बात बेटा, होमवर्क कर ले, अभी डैडी को मारने वाले बोलेंगे कि अभी तक होमवर्क नहीं किया इसने। ला दे, ला मैं करा दूँ, अब फोन रख। दूध लेना? तो मैं दूध ठंडा करके आऊँ। ये तो किधर? हाँ करो तो, बच्ची को नहीं देनी। कब से है ना होमवर्क नहीं करे, ऐसे बोल रहे डैडी को कमाएंगे जब भी करूँगी। होमवर्क नहीं किया? कर लिया अभी, कर लिया पूरा। प्लेट लेके आऊँ क्या? हाँ, यार क्यों बर्तन कर रही है मेरे, लाओ दो प्लेट, जा उठा ला वहाँ से। अच्छा ठीक है, आप क्या का क्या है?